हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग अभी थे खलहारी माता के मंदिर में और आपको वहां के हमने दर्शन करवाए खलहारी माता की। तो चलिए अब चलते हैं एक नए सफर पे और अब हम लोग जा रहे हैं बाघ बहरा, जो कि खलहारी माता से करीब 12 किलोमीटर दूर है और यहां से हम लोग बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। तो चलिए रोड का भी व्यू हम लोग देते हैं और मंदिर का भी व्यू देंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक के, जरूर देखना। और वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पे नहीं हो तो कर देना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक के पहुंच जाए। तो गाइज, रोड तो बहुत ही घुमावदार है और ये है NH 353 हाईवे। तो चलिए चलते हैं बाघ बहरा और आपको घुमाते हैं। यहाँ पे आपको रास्ते में फ्यूल्स भी दिख जाएंगे, तो फ्यूल का कोई टेंशन नहीं है। स्टेशन है यार, बाघ बहरा रेलवे स्टेशन भी है ना यहाँ पे, इसीलिए आगे से लेफ्ट। भाई तो नागपुरी यहीं से जाते हैं, अब यहाँ से हम लोग फाटक क्रॉस कर रहे हैं। वो रहा बाघ बहरा स्टेशन, लेफ्ट मोसरी। अब हमको यहाँ से लेना है लेफ्ट। सामने पे बोर्ड देख सकते हो, चंडी मंदिर लेफ्ट। तो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं बाघ बहरा और सामने देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू आ रहा है पहाड़ों का। अब बस जल्दी हम लोग मंदिर भी पहुंच जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं जबरदस्त व्यू। गाइस देखिए कितना सुंदर माहौल है और कितना सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर व्यू आ रहा है। पार्किंग के लिए बढ़िया स्पेस दिया गया है यहीं जस्ट। वाह यार, ये मेरे को पहाड़ चढ़ने यहाँ पे। अरे महादेव बने, देख रहा है। हाँ, पहाड़ पे ही महादेव बने। एकदम छाव पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलो पानी वानी रख लो, चलो चलते हैं। तो चलो गाइस पहुंच गए हम लोग बाघ बहरा चंडी मंदिर, जिसे यहाँ पे कहते हैं भालू वाली माता का भी मंदिर। यहाँ पे शाम को आरती के टाइम भालू आते हैं, तो शाम को अपन अगर रुकेंगे तो भले आपको दिखा सकते हैं। चलिए फर्स्ट हम आपको माता के दर्शन करवाते हैं। और पहाड़ का व्यू तो बहुत ही सुंदर आ रहा है, पहाड़ के बीच में जस्ट बजरंग बली जी बैठे हैं वहाँ पे, देख पा रहे हो। और वहाँ पे बने हैं शिव जी की प्रतिमा। इन लोग तो मेरे को छोड़ के भाग जाते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे सीढ़ी नहीं है लेकिन यहाँ पे चढ़ान है, तो चढ़ान करने में ज्यादा ही मजा आने वाला है और ज्यादा थकान भी होगी। चलिए चलते हैं यार, मजेदार व्यू। यहाँ पे देख सकते हो एक एक पत्थर कितने मजबूती से टिके हुए हैं, सब माता की शक्ति है। पापा को देखो माला बेचने लग गए, ये क्या। चलो चढ़ाओ जल्दी और आशीर्वाद पाओ माता रानी। 50-20 रुपए में, 20 रुपए का, 20 रुपए। और कोई काम नहीं बचा, अब यही बेचना है। चलो दोस्तों अब चलते हैं, फूल भी ले लिया हमने, पापा हमारे फूल वाले बन गए थे। जय माता रानी, जय माता रानी। हाँ हाँ, भजन गाओगे आप? बताओ क्या गाओगे। हाँ,
जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस मजा आ रहा है बहुत ही, मंदिर जस्ट पास में ही है। कहाँ ये तो है मंदिर, हाँ यही है, और कहाँ है, यही है मंदिर। सीढ़ी से ज्यादा चढ़ान में ज्यादा मजा आता है को, है ना। उतरने में अभी दौड़ते हुए जाएंगे एकदम रफ्तार में। सामने रहेगा उसको मम्मी तो बॉल जैसे सबको उड़ा देगी। अगर कोई फिसला तो फिर रोल रोल रख नीचे ऐसे बिना किसी मेहनत के घिस जाएगा। हाँ तुम तो जाते रहो आगे ही सबसे पहले। यहाँ से मंदिर का व्यू, टेंपल कैसे बनाया है एकदम चाइनीज टाइप वाला, ये वाला ना? है ना, बीच में ऐसी लग रहा था हवन वाला होगा। हाँ हवन कुंड होगा। एक बार यहाँ से व्यू देखो, पूरा पत्थर पे मंदिर को बैलेंस किया गया और बनाया गया है। उल्टा कहाँ, मैं तो चल सकता हूँ आराम से। वाओ गाइस, मंदिर को लगता अभी अभी कलर किया गया है और अभी अभी पेंट भी किया गया है। अभी अभी पूरा सजाया गया है मंदिर को। रोज भालू आते, एती लिखे हैस के रोज भालू आते ते भी आवा रोज रोज, वो तो लिखा है वहाँ पे रोज भालू आते काटेगा नहीं, नहीं कुछ नहीं करते बोलते हैं, काटे नहीं डायरेक्ट मारता है बोलते हैं। अगर हम कुछ करेंगे ना तब भले भालू लोग कुछ कर सकते हैं, वरना ऐसे कोई कुछ नहीं करेगा। चलो जूता चप्पल हम लोग किनारे में रख देते हैं। पापा बोल रहे यहीं पे भालू आते हैं, काश दिख जाए, मजा आई फिर। भालू एकदम इंसानों जैसे मारता है, लड़कियों जैसे मारता है। यहाँ सावधानी भी दी गई है, चेतावनी सावधान सब यहाँ डरा दे रहे पहले ही। तो चलिए अब अंदर दर्शन करते हैं माता रानी के। ये क्यों लगी है, ये कूदे पड़ी है, भागी पड़ी है। चलिए दर्शन करते हैं माता रानी के, पीछे मंदिर मेरे। चलो ना भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग, धीरे धीरे रेंगते रेंगते आते हैं इन लोग। उल्टा कहाँ जा रहे हो सब वाला। बेबी तू बहुत भागती है, पापा क्या बोले साथ में चलना चाहिए। देखिए गाइस भाग रहे, तो चलिए माता रानी को फूल चढ़ाते हैं। चलिए माता रानी को फूल चढ़ाएंगे। जय माता रानी। तो चलिए गाइस राउंड राउंड लेंगे अब। ये मंदिर 1917 के दशक का है और उस समय ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता था, उस समय फोटो भी ली गई है, देख लीजिए गाइस। और अभी बहुत ही सुंदर बना दिया गया है मंदिर को। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की, हम लोग अभी तक जितने भी मंदिर गए हमें कोई रोका नहीं, कैमरा बंक करो वगैरह वगैरह, क्योंकि यार आज पता नहीं माता भी चाहती है कि। दोस्तों हमारा नसीब कितना बढ़िया है, वो देखो वहाँ पे देखिए गाइस, भालू, वाह ब्लैक ब्लैक भालू। नहीं आ पाएंगे, इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे। आओगे, कितने डरते हैं इन लोग। वहाँ पे देखिए गाइस भालू, वाओ यार हमको भालू मिल गए। क्या है, हाँ यहीं पे हूँ भाई, सीढ़ी है वो देखो गाइस, उन लोग भाग रहे हैं। रुक सकते हैं ना, चलो चलो गाइस भालू आ गए इसलिए हम लोग चलते हैं। गाइस इन लोग तो बहुत तेजी से आ रहे हैं यार, इतने आगे आ गए। चल बोल रहा हूँ, चलो चलो जल्दी चलो भाई, तू गया वैभव, तू तो गया। मैं कहा, मैं सबसे आगे, तेरे तेरे जैसे दिख रहे हैं उन लोग। गजब बेइज्जती है वो यार। गाइस भालू बाप रे देखने मिल गए मैत्री गार्डन में, वो भी चार चार। अब आज आदमी को डर लगा, मैत्री गार्डन में इतने आसानी से नहीं दिखता, बल्कि यहाँ पे हमको ज्यादा अच्छे से दिख रहे हैं। मेरे को पता है भालू यहाँ तक के आते हैं और फिर ये दरवाजा बंद कर देते, समझे, यही तुम लोग को पता नहीं है भालू यहाँ तक के आते हैं और ये दरवाजा बंद कर देते हैं। हाँ दोस्तों, तो भालू यहाँ तक के आएंगे उसके बाद ये गेट को बंद कर देंगे।
दोस्तों भालू आ रहे होंगे अभी, अभी तक पहुंचे नहीं है। सुरक्षा के लिए सब घेरा बना दिया गया। हाँ पूरा पैक कर दिया गया। ओ भालू का डर के नाम से पत्ती चलने लग गई, हवा चलने लग गई। खौफ, इसे बोलते खौफ, समझा। देखो गाइस भालू आ गया। अरे वाह, मेरा इंतजार पहले से ही हो रहा है, सब लोग साथ अब चल के लेंगे। मैं तो बहुत प्रेमक हो गया। समूह देखो भाई, दूधी बाप रे, पूरी फैमिली आ रही है। वो वाला बच्चा वाला है तब की उसका। देखो गाइस कितनी मस्त किस्मत है, आ गई हमारे लिए भालू की फैमिली आ गई पूरी। कितने क्यूट दिख रहे यार इन लोग के, कितना सुंदर है। अरे नाखून बड़ा खतरनाक है लेकिन यार, चार्जर आ गए पूरे। देखिए दोस्तों इनको खाना भी खिलाएंगे अब। वाह इन लोग भैया को कुछ नहीं करते। बापरे बापरे बापरे, यहाँ पे कुछ नहीं करते भैया। यहाँ पे माता के मंदिर भी है और उसके बाद यहाँ पे भालू। वाह तो यहाँ पे है माँ काली गुफा। चलिए चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं माँ काली गुफा के दर्शन करवाते हैं आपको माता रानी के। गुफा के बीच में ही बना, गुफा के बीच में एकदम पूरा पत्थर को तोड़ा नहीं गया। गुफा के अंदर माता के मंदिर। ऐसे जाने में ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है गाइस, मजा आ जाता है एकदम। पूरा दबा हुआ है। यहाँ पे देखिए जय माता दी, जय माता दी। चलिए इधर इधर शायद ये गेट है जहाँ से भालू भी अंदर आते हैं होंगे। ये देखिए, लेकिन ये गेट पे अभी ताला लगा है क्योंकि यहाँ पे भालू रहते होंगे क्या पता, इसलिए गेट को ताला लगा दिया गया है। चलिए माता का दर्शन कर लूँ, आप भी कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं, मस्त चप्पल ऊपर पहनते हैं। इधर देखो हम लोग यहाँ पे भालू के साथ खेल रहे हैं और इन लोग मस्ती में देखो कॉटन कैंडी ले ली। आप बच्ची हो जो कॉटन कैंडी खाओगी, मेरे ऊपर रील बनाएंगे। रील बनाएंगे बच्ची, आइसक्रीम लैम चूस लगती है मुझे कोई पुराने गाने। यहाँ पे है पार्क और चलते हैं पार्क में, क्या सीन आ रहा है, मस्त हवा भी बहुत सुंदर, हर तरफ पहाड़ी पहाड़। हाँ और हम पहाड़ के रूप में गिरे हुए। वाह दोस्तों देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। कई दरवाजा यहाँ पे खुलता है, पता नहीं उसको बंद क्यों कर दिया गया है, पर ये देखिए यहाँ पे ये वही है ऊपर से जो उधर जाते हैं ना, नीचे भालू दिखेंगे अगर हम लोग इधर से जाएंगे तो, सीधा जस्ट भालू के पीछे जा सकते हैं। चले गए पापा बुलाने गया। हाँ इधर से मस्त, उधर इधर से ही तो भालू आए थे ना, है ना बेबी, इधर से आए थे ना भालू। अरे इधर पे झूला है। तो दोस्तों मैं आसमान की ऊंचाई पे और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ अभी अभी, मैं तो अभी से फिसल रहा हूँ। रनू आजा मेरे पीछे, चल दो ना साथ में, धक्का पड़ेगा तो। माता बे तू रुक जा, मैं उतरूंगा पहले। अभी जोर से लगा रही। अब हम लोग चलते हैं कार के पास, मजा आया बहुत ही। यहाँ पे भालू भी देखने मिला हमें, बहुत ही अच्छी किस्मत थी कि अपन जब आए तभी हमें भालू देखने मिला। आरती के टाइम में 7:30 का है बट हमें अभी देखने मिल गया। हाँ आरती के टाइम पे ज्यादातर बुलाया जाता है लेकिन हमें अभी देखने मिल गया, ये बहुत ही बढ़िया बात है। एक्चुअली आरती के समय खुद आते हैं बट अभी वो एक भैया थे जो उनको केयर करते हैं वो बुलाने गए, इसी कारण हमको देखने मिल गया। किस्मत हमारी बहुत अच्छी थी, वैसे मस्त किस्मत थी। दोस्तों यहाँ पे एक बार पहाड़ का तो व्यू देखो, कतई जहर आ रहा है। फोटो लेने के चक्कर पे मेरे को छोड़ गई बग्गे सबके साथ। चल चल बापरे बापरे
कितने स्पीड में गिरते हैं, मजा आ जाए एकदम एकदम जबरदस्त मजा आ गया। रन्नू को ओवरटेक करते हुए अपन सबसे पहले मम्मी पापा के पास पहुंच गए। मम्मी जय माता दी। अब चलते हैं सीधा अपन मेन हाईवे पकड़ के, हमें जाना है रायपुर पहुंचना है अब सीधा अपन को, तो लंबा सफर है। अब आराम से सीधा रायपुर पहुंच के मिलते हैं आपसे। जय माता दी। गाइस सभी को मजा आया तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो फटाफट से वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक के पहुंच जाएगी। मेरे को पता है आप सभी को मजा आया, दिल से मजा आया ना, तो प्लीज कर देना वीडियो को लाइक, और चैनल पे ली हो तो कर देना सब्सक्राइब। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग व्यूज दिखाने वाला हूँ जो कि पहाड़ में आने वाले हैं, तो कुछ सिनेमैटिक्स एंजॉय करो गाइस। दोस्तों सिनेमैटिक्स एंजॉय करने से पहले थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि यार हम लोग भूल ही गए थे रास्ते में, हमने देखे थे ये वाला मंदिर जो कि रास्ते में पड़ा था, तो यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना यहाँ का भी दर्शन करा दिया जाए। अब आए हैं इतना दूर तो क्यों छोड़ा जाए, फटाफट से चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं ये मंदिर भोलेनाथ जी का है। वैसे दोस्तों अब चलते हैं आपको दर्शन करवाते हैं अंदर भी। यहाँ पे देखिए भोलेनाथ जी, हर हर महादेव, नंदी महाराज जी का व्यू कितना सुंदर आ रहा है, पूरा व्यू यहाँ पे बहुत सुंदर। वहाँ पे डैम है, वहाँ पे देखिए गाइस चंडी डैम बोलते हैं इस जगह को, वहाँ पे डैम है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसे ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के मिल जाए, और जरूर से इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुड बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।